वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल क्या हालचाल कूल चलिए तो पिछला वीडियो हमने न्यूमेरिकल्स पे किया था हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको वर्क के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक बात और कही थी किस का फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से वर्क डन के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको वर्क डन निकालना हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर आपको वर्क डन निकालना हो इन प्रेशर वॉल्यूम कर्व तो एरिया अंडर कर्व जो शेडेड एरिया होता है उसका एरिया निकालना आपको आना चाहिए तो आपको वर्क डन पता चल जाएगा और अगर आपको ये सब ना दे रखा हो और अगर आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले तीन चार वीडियो में बात करी प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों को मालूम होगा कि वर्क डन क्या होता है वर्क डन कैसे निकाला जाता है हीट क्या होती है हीट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है चलो तो गाइस आज के वीडियो में शुरू करते हैं थर्मोडाइनेमिक्स के लॉ लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले एक लॉ से रूबरू कराना चाहता हूं जिसको बोला है या जीरो के ऊपर टीएच लगा तो जीरोथ ऐसा भी बोल सकते हो या जेरोथ भी बोल सकते हो लॉ ऑफ जेरोसाइनेमिक्स एक्चुअली क्या हुआ Thermodynamics का फर्स्ट एंड लॉ मार्केट में आ गया उसके बाद यह लॉ आया लेकिन यह लॉ आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जिसके ऊपर फर्स्ट और सेकेंड लॉ बेस्ड है तो टेक्निकली साइंटिस्ट ने फील करा कि इसको फर्स्ट लॉ के भी पहले आना चाहिए अब फर्स्ट लॉ के पहले तो कोई नंबर बचा ही नहीं तो जीरो तो इसलिए उसको जीरो लॉ बोल दिया कुछ लोग इसको जीरो लॉ बोलते हैं कुछ लोग जीरो बोलते हैं कुछ इसको जीरो लॉ बोलते हैं तो जो आपको ठीक लगे आप इसको बोल सकते हो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये क्या बताता है? ये बताता है बहुत सीधी सी बात इमेजिन करो आपके पास में एक गर्म पानी की बॉटल है एक बॉटल है उसमें आपने गर्म पानी रखा हुआ है गर्म पानी इन द सेंस, अगर इस रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है या 24 डिग्री सेल्सियस है तो आप लोगों को पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे रखना होगा इमेजिन करो 50 पे रख रहे हैं मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा पे रख रहे हैं अब मैंने एक थर्मोमीटर उठाया थर्मोमीटर हम सब लोगों को मालूम है डॉक्टर के पास जाते तो वो आपको बोलता है टांग पर कुछ टांग ऊँची कर आया है फिर आपके माउथ में थर्मोमीटर रखता है फिर देखता है ओ माई गॉड आपको तो फीवर नहीं है अब क्या होगा तो जो थर्मोमीटर होता है उस थर्मोमीटर को आप जब अभी फॉर एग्जाम्पल रूम में कहीं पे पड़ा हुआ है ज़मीन पे पड़ा हुआ है आपने उठाया तो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है वो आपको क्या रीडिंग देगा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस क्योंकि इस रूम का टेम्परेचर कितना डिप कर दिया थर्मोमीटर को वाटर के अंदर डिप करोगे, आपको मरकरी का लेवल राइज होता हुआ दिखेगा और मरकरी कहां तक राइज हो जाएगी फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक उससे ज्यादा नहीं जाएगी ना उससे कम रहेगी वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पर मतलब यहां पर कहने का ये है कि अगर आपने थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाला तो थर्मोमीटर खुद अपने टेम्परेचर को भी वाटर के टेम्परेचर जितना कर लेगा मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कहां आ जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वही जब थर्मोमीटर इस रूम के अंदर पड़ा था तो वह इस रूम के टेम्परेचर के हिसाब से थर्मल इक्विलिब्रियम में था मतलब जो रूम का टेम्परेचर था वही थर्मोमीटर का टेम्परेचर था इसलिए आपको थर्मोमीटर में रीडिंग भी 25 डिग्री बता रहा था अब आपने उस थर्मोमीटर को उठाकर कर गर्म पानी में डाल दिया गर्म पानी को आपने 50 डिग्री तक बॉईल किया तो अब आपको थर्मोमीटर पर रीडिंग भी कितनी दिख रही है पचास डिग्री क्योंकि थर्मोमीटर भी कितने पर आ गया है 50 डिग्री पर आ गया है तो एक्चुअली जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यही प्रोसेस बताता है यह कहता है कि अगर कोई दो बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग अलग है आप उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओगे तो दोनों बॉडीज अपना टेम्परेचर चेंज करना चालू कर देगी या किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी अपना टेम्परेचर चेंज करना चालू कर देगी और यह टेम्परेचर कब तक चेंज होगा ये तब तक चेंज होगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक दूसरे के एस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए मतलब बराबर ना हो जाए एक सीधी सी बात और बताता हूं इसको आपको और इजी से हो जाएगा समझने में फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ठंड पड़ रही कड़ाके की ठंड पड़ रही है जीरो डिग्री टेम्परेचर है और मैंने आपको एक फाइबर की चेयर या तुम्हारे स्कूल में वो जो अगर लोहे की बेंच होती हो लोहे की डेस्क जिस पर आप बैठते हो अगर आपको उस ठंड में उस बेंच पर बैठने के लिए बोला जाता आप बैठोगे तो आपको एकदम ठंडा ठंडा लगेगा आपके पिछवाड़े पे क्यों क्योंकि बेंच और रूम का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना रूम का टेम्परेचर है उतना ही तुम्हारी बेंच का टेम्परेचर है जब तुम उस पर बैठे तुमको ठंडा लगा उसके अपोजिट अगर भरी गर्मी में भरी गर्मी में अगर तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी है और जब तुम बाइक की सीट पर बैठते हो तुम्हारे को क्या होता है सीख जाते हैं हमारे हमारे बम सीख जाते हैं पाव भाजी तैयार हो जाती है क्यों क्योंकि वहां पर सीट गर्म हो गई तो आपने कभी सोचा कि सीट गर्म क्यों हो गई भाई सीट का टेम्परेचर कुछ और हो सकता था नहीं बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर सीट भी एक्वायर करने की कोशिश करेगी क्यों क्योंकि वो उसके साथ में क्या होना चाहती है थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहती है क्या है बात समझ में आ गई तो अगर आपने कोई दो बॉडी को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रखा तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ में क्या करेगी थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी क्या बात समझ में आ गई एक केस में आपको और बताता हूं चलिए अब हम लोग इस केस को ऑब्जर्व करते हैं मेरे पास में एक बॉडी है ए इसके साथ में एक और बॉडी रख दी मैंने बी और इन दोनों बॉडीज को मैंने एक और नई बॉडी के ऊपर रख दिया जिसका नाम है सी और मैंने कहा कि यहां पर बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी भी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बहुत सिंपल तरीका है वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका टेम्परेचर इसके बराबर होने लगेगा और इसका टेम्परेचर भी इसके बराबर होने लगेगा फॉर एग्जाम्पल इस सी नाम की बॉडी का टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपने इसके ऊपर एक बॉडी रखी ए और एक बॉडी इससे जोड़ के आपने रख दी बी ये चिपकी हुई है इसका टेम्परेचर है एटी डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है सेवेंटी डिग्री सेल्सियस अभी तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो जब ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी ये अपने टेम्परेचर को चेंज करके हंड्रेड करने की कोशिश करेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिमिलरली ये बॉडी भी अपना टेम्परेचर चेंज करके हंड्रेड डिग्री सेल्सियस करने की कोशिश करेगी क्योंकि ये इसके साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिकली ये दोनों बॉडीज जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई इन दोनों का टेम्परेचर भी बराबर हो गया तो वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल द थर्ड बॉडी देन द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विध ईच अचर अगर ये भी अचीव करेगा और यह भी अचीव करेगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार है कि अगर मान लो ये बॉडी सी तुम्हारा एक रूम है ये तुम्हारा रूम है और इस रूम में इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ का टेम्परेचर फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया है अब अगर इस रूम में मैंने यहां पर एक टेबल रख दी और इस टेबल के पास में मैंने एक बेड रख दिया तो ऑटोमेटिकली ये टेबल अगर मैं कोई और कमरे से लेकर आया हूं जहां पर एसी ऑन था और वहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तब ये टेबल ठंडी होगी लेकिन जब मैंने इसको इस रूम में रख दिया जहां पर एयर कंडीशन नहीं है तो धीरे से इसका टेम्परेचर भी बढ़ के फोर्टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और यह बेड ये बेड भी मैं एक ऐसे रूम से लाया हूं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस था वहां का तापमान लेकिन इस बेड को मैंने यहां रख दिया तो बेड का टेम्परेचर अब कम होकर कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो अल्टीमेटली दोनों का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा रूम के तो ये टेबल और ये बेड किसके कॉन्टेक्ट में है रूम के तो वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी देन बोथ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए थर्मल इक्वलिब्रियम होगा इन दोनों का टेम्परेचर भी तो बराबर हो गया बस ये है जेरोत लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स समझ गए बात को बहुत ईजी है कोई चिंता वाली बात नहीं लेकिन ये समझ में आया आप लोगों को कोई दिक्कत ठीक है चलो तो मैं इसका डेफिनेशन यहां पर आपको लिखवा देता हूं और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से तो क्या बोलेंगे वेन टू बॉडीज जब दो बॉडीज वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी तो अपन बोलते हैं वेन टू बॉडीज ए एंड बी वेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम वेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी देन द टू बॉडीज देन द टू बॉडीज ए एंड बी देन द टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर विथ ईच अदर इनफैक्ट कई बुक्स में मैंने देखा कई बुक्स में मैंने देखा वो बुक आपको पता है ये भी बोलती है कि इन दोनों बॉडीज को आप परफेक्टली इंसुलेट कर दो मतलब ये जो दोनों बॉडीज हैं इन दोनों बॉडीज की जो वॉल आपस में कॉन्टेक्ट में आ रही है इसको आप कैसी कर लो परफेक्टली इंस्यूलेट कर दो मतलब यहां पर आप सोचना समझना कि इस ए से बी में और बी से ए में किसी भी प्रकार की कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है मतलब ये इस बात को और प्रूफ करता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं मैं यहां खड़ा हूं आप मेरे से बहुत दूर खड़े हो ऐसे करके हम दोनों दूर हैं मतलब मेरे से एनर्जी आप में या मेरी हीट आप में या आपकी हीट मुझ में ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम ईच अदर लेकिन हम दोनों अभी कैसी कंडीशन में हो गए इंसुलेट कंडीशन में हम दोनों की कंडीशन कैसी हो गई इंसुलेटर वाली यानी ना तो मेरी हीट आप में जा रही है ना आपकी हीट मुझ में आ रही है मतलब हम दोनों की एनर्जी एक्सचेंज का यहां पर कोई सवाल नहीं है क्योंकि हम दोनों के बीच में एक परफेक्टली इंसुलेट लगा हुआ है ये दोनों की बाउंड्रीज परफेक्टली इंसुलेट करी गई है मतलब ए बी को हीट ना दे सकता है ना ए बी से हीट ले सकता है सिमिलरली ना बी ए से हीट लेगा ना ए को हीट देगा फिर भी दोनों का टेम्परेचर बराबर क्यों हो जाएगा क्योंकि वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब ए और सी एंड बी और सी की ये जो वॉल है ये परफेक्टली इंसुलेट नहीं है मतलब अगर आप और मैं एक ही कमरे में है लेकिन दूर दूर है तो हम दोनों की बॉडीज तो कॉन्टैक्ट में नहीं है हम दोनों में कोई एनर्जी ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है लेकिन हम दोनों की बॉडी रूम के साथ परफेक्ट कांटेक्ट में यानी मैं भी इस रूम के एनवायरनमेंट में हूं इस रूम में एटमॉस्फेयर में हूं और आप भी इस रूम के एटमॉस्फेयर में हो तो रूम की वजह से मेरी बॉडी या तो गर्म होगी या ठंडी होगी सिमिलरली आपकी बॉडी भी इस रूम की वजह से गर्म होगी या ठंडी होगी तो जो टेम्परेचर इस रूम का होगा कुछ देर बाद वही आपका होगा और कुछ देर बाद वही मेरा होगा तो मेरा टेम्परेचर रूम के बराबर आपका टेम्परेचर भी रूम के बराबर तो हम दोनों का टेम्परेचर भी तो बराबर हो गया समझ गए वो कंडीशन है तो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एस जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बस इतना सा आप लोगों को ये पता होना चाहिए या जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जीरो थर्मो डायनेमिक्स नम, 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 नम ठीक है करें इसको बहुत बढ़िया बहुत बहुत शानदार उमदा प्रदर्शन मेरे प्यारे बच्चों के द्वारा फ्रंट फुट पे खेलते हुए और यह जोरदार सिक्स पूरे अपने फ्रंट फुट पर आकर पूरी ताकत से टाइमिंग के साथ बॉल को भेज दिया है बाउंड्री वॉल के बाहर और इसी के साथ अब हम लोग बढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की तरफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पहला पहला लॉ है चलो पहली पहली बार है चलो पहला लॉ पहली बार और मेरा सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच तुम्हारे बाबू शोनों ने थाना थाया कि नहीं उसने नहीं खाया है तो उसका थाना थे ला दो बोलो कि दस मिनट जरा मुझे अकेला छोड़ दे मेरी डेट सर के साथ है चलो तो बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ की ये क्या कहता है देखो मेरी बात समझो ये लॉ किसी भी प्रकार के थ्योरेटिकल प्रूफ के ऊपर बेस्ड नहीं है तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दैट दिस लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरेटिकल प्रूफ ज नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरेटिकल प्रूफ किसी भी प्रकार का थ्योरिटिकल थ्योरी थ्योरी भी प्रकार का थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरिटिकल प्रूफ बट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वॉट इस पर बेस्ड है बट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये पूरी तरीके से बेस्ड है यानी हम लोगों ने सिर्फ इसको एक्सपीरियंस किया है हमने इसको फील किया है हमने हमारे मन से इसे पढ़ा है लेकिन इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है लेकिन ये लॉ हंड्रेड परसेंट सही है इस बात की कोई गारंटी आपको बोले तो आप बोलना हाँ इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं सौ प्रतिशत में आपसे कहता हूं कि ये लॉ सौ प्रतिशत एप्लीकेबल है सौ प्रतिशत ठीक है भले ही हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर है इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है बट इट इज एप्लीकेबल क्या ये बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर कोई दिक्कत कैसे तो मैं आप लोगों को समझाना शुरू करता हूं पहले मैं आपको नॉर्मल बात बताऊंगा फिर मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताऊंगा जो जूल ने अपने जो अपने जूल से जूल जिनके ऊपर वर्क की यूनिट रखी गई है एनर्जी की यूनिट रखी गई है जूल तो जूल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे उनको सेम रिजल्ट मिला फिर एक मशीन का नाम बताऊंगा आपको जो आज तक बनाई नहीं गई तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है वो हमेशा सही बैटर है मतलब ये लॉ दुनिया में है पर पहले अपन नॉर्मल बात करते कुछ थियोरिटिकल बात करते देखो क्या आप लोगों ने सन की सोलर एनर्जी के बारे में सुना है देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं न, फिजिक्स को भी थोड़ा बायोलॉजी से टच करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते भी हो और मजा भी आता है सोलर एनर्जी सन से आने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी मेरे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल करके यानी सनलाइट का इस्तेमाल करके प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट क्या बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर शक्कर ग्लूकोस ग्लूकोस शक्कर ग्लूकोस फिर इस प्लांट को खाता है ह्यूमन ह्यूमन या एनिमल भाई कभी कभी क्या होता है पहले प्लांट को खाता है एनिमल फिर एनिमल को खाता है कोई और एनिमल फिर एनिमल को अपने सलमान भाई आगे गोली मार देते हैं <laughs> मतलब प्लांट को खाता है एनिमल और एनिमल को खाता है इंसान ऐसा भी हो सकता है या एनिमल या तो प्लांट की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी अब किसमें आ जाती है ह्यूमन में ह्यूमन इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और फिर ह्यूमन अपनी या प्लांट अपनी एक्टिविटीज करता है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो आप भागोगे आप दिन भर के काम करोगे आप साइकिल चलाओगे आप वैसे तो आलसी हो पढ़े रहते हो टांग ऊंची करके मीम्स देखते रहते पर भाई एनर्जी का इस्तेमाल तो करोगे तो जब आप एनर्जी का इस्तेमाल करोगे जब आप एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी एक्टिविटीज की वजह से आपकी बॉडी से हीट या अलग टाइप की कोई भी एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होगी थकान महसूस होगी आपको भूख लगेगी आप फिर खाना खाओगे फिर एक्टिविटी करोगे एनर्जी रिलीज होगी फिर खाना खाओगे लेकिन ये एनर्जी रिलीज कहाँ होगी ये एनर्जी रिलीज होगी आपके सराउंडिंग में कहा रिलीज होगी सराउंडिंग में और सराउंडिंग क्या है आपका सोलर सोलर नहीं तो कोई और टाइप मतलब आप देख रहे हो यहां पर अलग अलग टाइप की एनर्जी अलग अलग टाइप की एनर्जी बन रही है और अलग अलग टाइप की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कहा सोलर एनर्जी एक अलग प्रकार की एनर्जी है और कहा हमारी बॉडी में बनने वाली अलग प्रकार की एनर्जी है और कहा हमारे द्वारा रिलीज की जाने वाले हीट एक अलग प्रकार की एनर्जी है तो इसका कहने का यह मतलब है कि आप लोगों को जो खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है जो जो आप आपके बाबू को बार-बार बोलते हो कि थाना था ले, तो वो जो थाना थाती है, उसको थाना थाने से एनर्जी मिलती है जिससे वो आपसे बात कर सके फिर उसकी एनर्जी का लॉस हो तो लॉस होकर एनर्जी उसकी बॉडी से निकल गई एटमॉस्फेयर में तो एक्चुअली क्या होता है इस दुनिया में हमेशा एक प्रकार की एनर्जी को कंज्यूम करा जाता है ताकि दूसरे प्रकार की एनर्जी बनाई जा सके समझे कैसे मैंने सोलर एनर्जी का कंजप्शन करा सोलर एनर्जी का कंजप्शन करा किसने प्लांट ने उससे उसने क्या करा वर्क करा कौन सा वर्क कार्बोहाइड्रेट बनाने का तो अब उसने एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रख लिया कार्बोहाइड्रेट हमने खाया हमने उस एनर्जी को ग्लूकोज के फॉर्म में रख लिया फिर उस ग्लूकोज को हमने तोड़ा वर्क करा और उससे बनाई एनर्जी अब वो एनर्जी में अगर काम करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग प्रकार की एनर्जी तो ये साइकिल चलती जाती है मतलब आप एक प्रकार की एनर्जी को कंज्यूम करते हो टू क्रिएट अनदर टाइप ऑफ एनर्जी समझ गए बात को आप लोग फॉर एग्जाम्पल और बेसिक एग्जाम्पल की तरफ चलते चलो थोड़ा फिजिक्स की तरफ आते हैं आपने बटन चालू करा तो चुप पंखा घूमने लगा रूम का जब आपने बटन चालू करा तो तारों में कौन सी एनर्जी बही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहते बहते किसके पास पहुंची पंखे के पास पंखे को क्या मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पंखा क्या बोलने लगा क्या कर रहा है रोटेशन चक्कर आ गए क्या कर रहा है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया समझ रहे हो आप लोग अगर आपको याद हो तो मैंने थर्मल प्लांट का आपको वर्क समझाया था चैप्टर के शुरुआत में कि वो झरने का पानी ऊपर ठंडा होता है लेकिन वो झरने से जब नीचे गिरता है तो गरम गरम फील होता है क्यों ऊपर से जब झरने का पानी नीचे गिरता है तो उसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी और जब वो नीचे गिरता है जब वो जमीन से टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में तो वो गर्म हो जाता है तो आप एक बात समझ के रखो इस दुनिया में अगर कोई नई एनर्जी बन रही है तो उसके पीछे कोई पुरानी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी तो स्टार बना के सब लोग अपने नोट्स में एक बात लिखेंगे दैट इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू टाइप ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू टाइप ऑफ एनर्जी एंड ओल्ड टाइप ऑफ एनर्जी मस्ट बी कंज्यूम्ड इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में एनर्जी फिक्स है ना आप नई एनर्जी बना सकते हो उसी प्रकार ना आप पुरानी एनर्जी तोड़ सकते हो जैसे अभी ये पंखा घूम रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं तोड़ नहीं सकता तोड़ूंगा तो लेके आ जाऊंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करके करूंगा क्या जब तक मेरे पास में इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई वर्क करने के लिए नहीं होगा कोई यूज ही नहीं है तो वह एनर्जी डिस्ट्रॉय या कंज्यूम हो ही नहीं सकती जब तक आप उसका इस्तेमाल ना करो और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट ना करो तो सीधी सी बात यह है दैट अगर आप एक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो मतलब आप एक नई टाइप की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अगर आप नई टाइप की एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हो मतलब आप ओल्ड टाइप की एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो यहां पर अपन स्टार बनाकर यह लिख सकते हैं दैट द एनर्जी ऑफ सिस्टम भाई थर्मोडाइनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग पर बेस्ड है प्लस सराउंडिंग इज फिक्स और हम लोग सब जानते हैं सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है यूनिवर्स तो वी कैन ऑल्सो से और द एनर्जी इन यूनिवर्स इज फिक्स्ड यूनिवर्स की एनर्जी कैसी है फिक्स्ड है यानी आपको यूनिवर्स के अंदर ना कभी आप एक नई टाइप की एनर्जी बना सकते हो ना एक पुराने टाइप की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप सिर्फ एक टाइप की एनर्जी को अगले टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बट इट इज पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ वन टाइप इंटू अनदर मतलब ऐसा हो सकता है कि सराउंडिंग से एनर्जी ले ले सिस्टम हमने देखा भी था हीट फ्लो इन साइड द सिस्टम यानी हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई तो सराउंडिंग की थोड़ी सी कम हो गई पर बैलेंस तो बराबर है उसी प्रकार कभी कभी आपने कहा था कि सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है हीट बाहर निकल रही है तो कहा जाएगी सराउंडिंग में तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई लेकिन सराउंडिंग की बढ़ गई तो बैलेंस बराबर बना रहेगा तो एक टाइप से दूसरे टाइप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते तो इसीलिए इसीलिए एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं क्योंकि इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिफाइन करेंगे दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ वन टाइप इनटू अनदर कभी भी आपके द्वारा कोई नई एनर्जी नहीं बनाई जा सकती ना पुरानी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार में ट्रांसफर किया जा सकता है समझ में आ गई बात कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरीके की दिक्कत दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और यह पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है यह हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है जो कि फिक्स होता है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं और अपन यहां पर तीन ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रूफ करेंगे कि सही है लेकिन उसके पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्लियर हो गया क्या इस यूनिवर्स की एनर्जी पूरी तरीके से कंजर्व्ड है आप ऐसा लिख सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंजर्व कंजर्व का मतलब सेफ है ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है वो फिक्स है मतलब एनर्जी को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो बस एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो जो आप कर रहे हो भाई आप कोयला जलाते हो तो हीट निकलती है हीट से ट्रेन का इंजन भागता है आप पेट्रोल जलाते हो पेट्रोल के कंबशन से केमिस्ट्री में कंबशन पता है ना जब कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो हीट निकलती है एनर्जी निकलती हो उससे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए इंजन कोई नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है यानी वो पेट्रोल से एनर्जी यानी कंबशन की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो आप पेट्रोल को इंजिन के अंदर जाके कंबस्ट करते हो जलाते हो जिससे हीट निकलती है जिससे इंथेल्पी निकलती है और फिर उसका इस्तेमाल आप गाड़ी चलाने में करते हो जब गाड़ी चलती है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब आपने कंबशन एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला आपने अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करा एक एनर्जी के टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करा नोट करो जल्दी से चलिए गाइस हो गया हमारा स्क्रीन क्लियर क्या हमको यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी चलो बहुत शानदार तो क्या कहना चाहता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स सिंपल सी भाषा में अगर आप लोगों को स्कूल एग्जाम वगैरह में कहीं पर लिखना हो तो आप बस एक लाइन में लिखकर आएंगे ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बस दैट्स इट कूल कोई दिक्कत चलिए तो क्या जैसा मैंने आपसे कहा था दैट दिस लॉ इज नॉट थियोरिटिकल इट इज बेस्ड ऑन कुछ लोग आपको भूत की कहानी सुनाते कुछ लोग आपको भूत की कहानी सुनाते और बोलते हैं ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है आँग! ऐसा समझ गए तो दैट इज ह्यूमन एक्सपीरियंस चलो तो पहला जो Uh, बात मैं आपको बताता हूं एक मशीन बोलती है परपिचुअल मशीन इस मशीन का कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं हुआ इट इज नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड कैन नेवर बी एंड इट कैन नेवर बी क्या मतलब परपिट्यूअल मशीन का मतलब क्या होता है वट डू यू मीन बाय परपीटल मशीन परपीटी सॉरी क्या मतलब होता है इसका मशीन एक ऐसी मशीन है जो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी अनंत काल तक चलती रहेगी विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी एक ऐसी मशीन जो बिना एनर्जी को कंज्यूम करे लगातार चलती रहेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेगी तो इस मशीन का प्रिंसिपल क्या है दिस मशीन विल प्रोड्यूस एनर्जी यह एनर्जी प्रोड्यूस करेगी कोई परेशानी नहीं सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है लेकिन यह एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी बस तुमने बटन चलाया गुरु चालू हो जाएगी बस जैसे वो थ्री डी में राजू रस्तोगी ने बोला था ना इन केस मिस्टर राजू रस्तोगी कैन यू प्लीज टेल मी हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट तो ये परपिटुल मशीन एक ऐसी मशीन होगी जो बिना एनर्जी कंज्यूम करे चालू हो जाएगी और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करती जाएगी बट ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कोई मशीन है ही नहीं भाई तुमको उसको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी तो चलेगी तुम्हारे घर में पानी की मोटर इलेक्ट्रिसिटी खींचती है तभी तो सक्शन का इस्तेमाल करके नीचे से पानी खींच के ऊपर फेंकती है पंखा भी तो एक मशीन है वो थ्री इडियट्स में वो आ, उसकी जो पेंट की जिप थी वो भी मशीन थे अप डाउन अप डाउन अप डाउन तो मशीन को अप डाउन कौन कर रहा था अपना आमिर खान रेंचो तो रेंचो डाउन कर रहा था तो रेंचो की बॉडी के द्वारा जो एनर्जी थी वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने में लग रही थी तो बिना कंज्यूम करे एनर्जी आप एनर्जी बनाओगे कैसे तो परपिट्यूअल मशीन आज तक नहीं बनी है ये इस बात का पहला प्रूफ है दूसरा हमारे जो जूल थे जूल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट जूल परफॉर्मड जूल परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड that एंड फाउंड that ऑन डूइंग 4.183 पॉइंट वन एट थ्री जूल्स ऑफ वर्क यानी जब जूल फोर पॉइंट वन एट थ्री जूल का वर्क करते थे वन कैलरी ऑफ हीट इस प्रोड्यूस्ड मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप क्या बोला मैंने फिर से समझना जूल ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने उन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीकों से वर्क किया पहले उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देके वर्क किया फिर उन्हें मैकेनिकल तरीके से वर्क किया फिर उन्हें रोटेशनल तरीके से वर्क किया फिर उन्हें और किसी तरीके से वर्क किया मतलब उन्होंने अलग अलग टाइप से एक सिस्टम के ऊपर वर्क किया सिस्टम क्या हो सकता है कुछ भी नहीं सिस्टम हो सकता है तुम्हारा ग्लास ग्लास में पानी और पानी में पड़ी हुई शक्कर यह तुम्हारा सिस्टम हो गया अब जब वो इस सिस्टम के ऊपर चम्मच डाल के हाथ से उसको स्टर करते थे तो ये तुम्हारा मैकेनिकल वर्क हो गया फिर एक मशीन डालकर रोटेशन करवाया रोटेशनल हो गया फिर एक मशीन लाई जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया तो अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्क किया और अलग अलग तरीके से कितना वर्क किया 4.183 जूल ये इन्होंने वर्क किया वर्क निकालने का तरीका पता है ना पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा भी तो जब उन्होंने इतना अमाउंट का वर्क किया कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वन कैलोरी हमेशा मतलब यहां पर यह बात फिक्स हो गई कि अगर मैं वर्क करूंगा इतना, इतना तो इतनी हीट इवॉल्व होगी हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं वर्क क्या है वर्क एनर्जी वर्क के द्वारा मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी बोर्ड से खींची मशीन ने और मशीन ने शक्कर घोलने के लिए ब्रर वर्क करा जिससे शक्कर घुल गई तो वर्क क्या है मशीन का घूमना मशीन ने घूम के वर्क किया लेकिन मशीन ने क्या करा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन की वजह से मशीन घूमी और शुगर डिजोल्व हो गई लेकिन अब शुगर जिस पानी में डिजोल्व हुई उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया क्यों क्योंकि उसने हीट अब्जॉर्ब कर ली उसके अंदर हीट आ गई तो हीट में कन्वर्ट हो गई तो जितना आप वर्क करोगे एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में मिलेगी तो यह बात फिक्स हो गई कि अगर आप इतना अमाउंट का वर्क करोगे वन कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी यह बात फिक्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप किस प्रकार वर्क कर रहे हो उससे हमारा कोई लेना नहीं तुम उंगली डाल के पानी में शक्कर घोल लो लेकिन अगर तुम उंगली घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के अगर इतना वर्क कर लोगे तो इतनी हीट इतनी कैलोरी एनर्जी आप 100 परसेंट प्रोड्यूस कर पाओगे समझ में आ गई बात आपको और यही बात तो हम लोग सीख कर भी आए थे जब हम लोग वन ए लीटर हम हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना वर्क डन का तो उसकी यूनिट वन ए लीटर आ रही थी कितनी वन जीरो जूल्स और ये किसके बराबर पिछले वीडियो में सिखाया था ट्वेंटी कैलोरी तो आप यहां पर देखो ना वन कैलोरी आप इसको इससे डिवाइड करो आपको 4.183 पॉइंट जूल्स के आसपास वैल्यू मिलेगी तो वन इस टू और बहुत शानदार है। है? ले लिया स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया एक बार ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी लो मैं रब करने वाला हूं चलिए सुपर तो गई दो चीज तो हमें यहां पर क्लियर हो गई दो बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि एक तो परपिट्यूअल मशीन परफ्यूचल मशीन जो भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहो अगर आप अंग्रेज होता परफ्यूचुअल बोलेंगे तो वो मशीन आज तक नहीं बनाई गई क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही सिर्फ प्रोड्यूस कर रही है और दूसरा जूल ने अलग 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 तरीके से वर्क किया 4.183 पॉइंट जूल्स का वर्क किया हमेशा वन कैलोरी हीट इवॉल्व हुई मतलब किसी भी प्रकार का वर्क करो यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम करो आपको हीट पक्का उत्ती मिलेगी मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी तो ही नई टाइप की हीट फॉर्म की एनर्जी बनेगी और तीसरा एक केमिकल रिएक्शन करी गई जिसमें वाटर को जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है 283.4 किलो जूल पर मोल का यहां पर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया यहां पर क्या प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रिसिटी यानी यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कैसी एनर्जी दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोलेसिस करा इसकी वजह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ मतलब यहां पर अगर आप वाटर को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे किस रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में तो वो आपको यहां पर क्या देगी प्रोडक्ट इट विल गिव यू प्रोडक्ट और जब प्रोडक्ट बनेगा तो नया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो यहां पर आपको बॉन्ड इंथेल्पी दिखाई देगी नए बॉन्ड बन रहे हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था तो इस एनर्जी का कंजप्शन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना तो बॉन्ड इंथेल्पी क्या है? इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट करा केमिकल एनर्जी में किसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कंसेप्ट समझ में आया मतलब पानी को आपने एनर्जी दी किस रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में तो पानी टूट के नए प्रोडक्ट बनाया और नए प्रोडक्ट जब बने तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसे बोला जाएगा केमिकल एनर्जी मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया उसी के अपोजिट अगर आप एच और हाफ ओ टू को रिएक्ट कराओगे तो यह बना लेगा वॉटर और वॉटर बनने के बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और यह एनर्जी कितनी रिलीज करेगा 283.4 किलो जूल पर मोल मतलब यहां पर इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने की वजह से पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे पुराने बॉन्ड एच H2 टू के बीच का बॉन्ड टूटेगा O2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और H2O के बीच के नए बॉन्ड बनेंगे तो केमिकल एनर्जी को आप लोगों ने यहां पर किस में कन्वर्ट करा हीट में लेकिन यहां पर भी आप देखो वैल्यू कितनी मिली सेम मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो या उससे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो उसका वैल्यू हमेशा आपको सेम दिखाई देगा मतलब यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक सिर्फ एनर्जी के ऊपर है कौन सी एनर्जी इस पर कोई फिक्सेशन नहीं है मतलब आप पानी को तोड़ने के लिए इतने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो पानी टूट जाता है और केमिकल एनर्जी बन जाती है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गई लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ के पानी बनाते हो यानी जब आपने यहां पर आप रिएक्शन उल्टी कर दी तो जितने अमाउंट में इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाया था अब ये उतने ही अमाउंट की एनर्जी रिलीज करके रिएक्शन करेगा मतलब अगर आपने इतने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस पानी बना के उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे बट नाउ इन फॉर्म ऑफ हीट तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको पानी को हीट एनर्जी जैसे यहां हीट रिलीज करी तो यहां पर हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये बनेगा नहीं कोई सी भी एनर्जी दो ये आपको एच टू और हाफ ओ टू बनाकर देगा लेकिन आप एच टू और हाफ ओटू को जब भी जोड़ोगे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और आप देखो वैल्यू बिल्कुल सेम है तो यहां पर बस ये है कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन यह फिक्स नहीं है कि कौन से फॉर्म को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इस बात का प्रूफ है क्या ये बात समझ में आ गई तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बिल्कुल वर्क करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बिल्कुल एग्जिस्ट करता है बिना किसी परेशानी के ये सिर्फ आप लोगों के ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों को सिखाने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए था कि ये जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतनी ही लिबरेट करेगा अब्जॉर्ब करते वक्त ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है लिबरेट करते वक्त ये हीट लिबरेट कर रहा है लेकिन दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई बाद में केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन एक केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी का अमाउंट फिक्स है कोई सी भी एनर्जी हो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे वर्क करता है नाउ तो गाइस लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ठीक है तो गाइस यहां पर एक छोटी सी बात समझे अगर ये आपका सिस्टम है और यह सिस्टम सराउंडिंग में रखा है तो गाइज इस सिस्टम की अगर मैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी अगर मैं इस सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 मानूं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के पीछे किन चीजों का हाथ था मैंने आपको सिखाया था पहला पहला केस या तो सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करे अगर सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं Q प्लस लिख रहा हूं वाई आई एम राइटिंग Q प्लस मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं बी बनिया मेरा रूल याद रखो थर्मोडाइनेमिक्स में क्या बी बनिया मतलब अगर आप लोगों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और अगर आप उस फिजूल की चीज को किसी को दे रहे हो तो वो आपको आपका नुकसान ही लगेगा भले ही उसकी जरूरत अब आपको नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको जूते दिलाए आपके पेरेंट्स ने अब वो शूज आपको नहीं आते लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बोले कि तेरे छोटू छोटू शूज तेरे कजिन को दे दे, तो आप बोलोगे क्यों दू मैं उसको क्यों दू मेरे जूते में उसको गब्बर तो आप क्या बोलोगे मैं नहीं दूंगा और आपके पेरेंट्स आपको मार कूट के आपके जूते उसको दे देते तो आप क्या बोलोगे नुकसान हो गया आ, मतलब अगर किसी चीज की जरूरत है तो तो ठीक है जरूरत की चीज अगर आपको किसी को देनी पड़े जैसे आपको आज आपके बाबू सोना को पिज्जा खिलाने के लिए थाना खिलाने के लिए आपको हजार रुपए की जरूरत है लेकिन वो हजार रुपए आपसे किसी ने छीन लिया तब तो नो डाउट नुकसान है लेकिन अगर आपके बाबू सोना को आपको पिज्जा खिलाना और आपकी जेब में दो हजार रुपए और हजार रुपए आपको आपके बाबू सोना पे खर्च करने तो तो भी जो हजार रुपए एक्स्ट्रा है अगर वो तुम्हारा दोस्त तुमसे मांग ले और तुम उसको दोस्ती यारी में दे दो तो आपको लगेगा यार हजार रुपए ले लिया अब देगा नहीं देगा नहीं नुकसान हो गया नुकसान हो गया तो अगर जरूरत है तो चीज गई तो भी नुकसान जरूरत नहीं है चीज गई तो भी नुकसान ये अपना बी बनिया रूल है ठीक है चलो तो गाइज अगर मान लो किसी सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब करी तो भैया उसका फायदा हुआ उसको हीट मिली भले उसका उसका बम जल जाए पर उसको तो फायदा हुआ मेरे को तो हीट मिलनी चाहिए भैया तो प्लस क्यू अगर उसने हीट रिलीज कर दी तो माइनस क्यू अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया गया वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस लेकिन अगर बाय सिस्टम किया गया तो वर्क डन तो माइनस भाई ये बहुत बेसिक सी बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे प्यारे गुलगुलो मेरे रसगुल्लो ये बात तुमको पता होनी चाहिए ठीक है ये बात पता है कोई दिक्कत ठीक है ना चलो तो हम लोग बी बनिया रूल थर्मो में लगाएंगे और आज नहीं क्लास ट्वेल्थ में भी हम लोग लगाएंगे तो अगर मान लो आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी क्योंकि हम लोग जानते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है यानी इसको मेजर नहीं किया जा सकता सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है मैं सिखा चुका हूं लेकिन स्टेट फंक्शन होने के बावजूद इस सिस्टम के अंदर जितनी टाइप की एनर्जी होगी ये उन सब का सम है जब आप उसको हीट दे दोगे तो जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी गैस को हीट अप कर देते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसकी रोटेशनल एनर्जी बढ़ जाती है उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो ओवरऑल सारी एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो अगर आप किसी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हो इनिशियल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी अब भले ही आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता हम इसको पास लिख देते यू टू यू वन यू टू बड़ा छोटा भी उसकी बात नहीं कर रहे तो केस वन में या तो आप हीट ऑब्जॉर्ब कर रहे हो या हीट रिलीज कर रहे हो तो यह केस समझ में आ गया दूसरा केस केस टू या तो आप सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा है तो ये दो केसेस है जिसमें आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कैसे बाय हीट इधर एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग और दूसरा वर्क इधर वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम तो गाइस ये दो तरीके हैं ये दो तरीके जिससे आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हो क्या यह बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ पहले इस बेसिक पॉइंट को ध्यान से देख लो प्लीज इस बेसिक पॉइंट को प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे चले चलिए तो गाइस एक बात समझो अगर मान लो मेरे पास में इंटरनल एनर्जी यू वन है अब अगर मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क किया इफ आई डिड वर्क डन ऑन द सिस्टम तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है अब इंटरनल एनर्जी चेंज होकर क्या हो जाएगी U1 वन प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू आया बिकॉज आई द सिस्टम अब मैंने क्या करा इस सिस्टम के ऊपर वर्क करने के साथ साथ इस सिस्टम को हीट भी प्रोवाइड कर दी तो अब यहां पर आपकी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ आपके पास में वर्क डन भी है और हीट भी है तो ये मिलकर बन जाती है आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी समझ गए इंटरनल एनर्जी पे पहले मैंने क्या करा उसको हीट प्रोवाइड करी और उस पर वर्क डन करा तो अब मेरे पास में ये बन गया फाइनल इंटरनल एनर्जी तो फाइनल इंटरनल एनर्जी यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू एंड यू टू माइनस यू वन इज डेल्टा यू Is w प्लस Q तो गाइज ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ का वेयर वॉट इज डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये क्या हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉट इज W वर्क डन वॉट इज Q हीट तो प्यारे बच्चों ये है आपका सिंपल सोबर सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम आपके सिस्टम के द्वारा एक तो हीट अब्सॉर्ब करी गई और उस पर कितना वर्क किया गया इसकी मदद से आपको डेल्टा यू की वैल्यू मिलेगी क्या यह बात समझ में आ गई एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आराम से इसको नोट कर लीजिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी अब देखो सीधी सी बात है अब अगर आपसे कोई कहता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो w की वैल्यू माइनस में रख दो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम तो q की वैल्यू माइनस में लिख दो अगर दोनों ही अपोजिट है वर्क किया जा रहा है हीट रिलीज करी जा रही है तो दोनों माइनस में लिख दो साइन कन्वेंशन आ गया ये बेसिक फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला अब अगर तुमको फॉर्मूले में बोल देता है कि एक सिस्टम है जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है इतने जूल्स। लेकिन वो इतनी हीट रिलीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव और हीट रिलीज कर रहा है इसलिए माइनस क्यू कर दो तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी तो इट इज वेरी इजी कोई चिंता वाली बात नहीं है आपने इस फॉर्मूले को लिख लिया आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भैया किसी भी किसी भी किसी भी कभी किसी रोज किसी रोज उनसे और से मुलाकात होगी तो अब हमारे पास में डेल्टा यू का यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आ गया दैट इज डब्ल्यू प्लस क्यू क्या बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का है रिपीट किसी भी तरीके का कोई लॉजिक में दिक्कत तो नहीं आ रही चलिए नाउ गाइस पहला केस अपन देखते हैं इफ कंडीशन इज Adiabatic या adiabatic, adiabatic, जो भी बोलना चाहो कंडीशन में नो हीट ट्रांसफर यानी सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो वहां पर डेल्टा यू विल बिकम इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन के पीछे आप लिखेंगे ए डी बी या ए डी आई आदि आदि तो डेल्टा यूनि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन नाउ दिस वर्क डन कॉल्ड वर्क डन इन ए डायबेटिक कंडीशन ए कंडीशन। यानी अगर आपका सिस्टम ए एडायाबेटिक कंडीशन में वर्क कर रहा है अगर आपका सिस्टम ए एडायाबेटिक कंडीशन में वर्क कर रहा है तो वर्क करते वक्त या ए डायबेटिक कंडीशन में आपका सिस्टम और सराउंडिंग रखा है और इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ रहा है मतलब एक सिस्टम है सराउंडिंग के अंदर और उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ रहा है इनिशियल कुछ थी फाइनल कुछ है लेकिन एडाइबेटिक कंडीशन इस बात का प्रूफ है कि वर्क हो सकता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा होगा भाई वर्क की वजह से आ रहा होगा और किसी की वजह से तो आएगा नहीं अरे यार क्या बोल रहा हूं यार समझ रहे हो कि नहीं यार समझ गए समझ गए समझ गए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस कभी कभी क्या होता है आप सिस्टम के ऊपर वर्क भी कर रहे हो वो हीट भी रिलीज कर रहा है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू की वैल्यू जीरो ही रहती है मतलब देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब तुमने इतना प्रपंच करा तुमने इतना उसके अंदर झोल झाल करा तुमने वर्क भी करा तुमने हीट भी दिया या तुमने वर्क करवाया हीट दिया, कुछ करा लेकिन इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल थी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तो ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो रख दो तो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू तो यहां पर आप दो केस बनेंगे अब इस फॉर्मूले से यहां पर दो केस बनेंगे केस वन Q यहां रख के W को जीरो की तरफ ले जाओ तो ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा और केस टू क्या बनेगा प्यारे लाल लो मेरे रसगुल मेरे गुलगुलो W यही रखो Q को उधर ले जाओ तो ये माइनस क्यू हो जाएगा तो अब यहां पर दो केसेस बन गए अब ये पहला केस क्या बोलता है प्लस Q का मतलब होता है हीट अब्जॉर्ब तो व्हेन हीट इज ऑब्जॉर्ब वेन हीट इज ऑब्जॉर्ब वर्क माइनस यानी वर्क डन बाय द सिस्टम वेन हीट इज ऑब्जॉर्ब वर्क इज डन बाय द सिस्टम सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा कब जब इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव ना आए जैसे मान लो मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहा मेरी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी बैलेंस्ड है जो शुरू में थी वही आखिरी में मतलब इसको ऐसा मानो कि तुम तुम्हारे बाबू सोना के साथ जाके पिज्जा था के आ गए अब पिज्जा थाने से तुम्हारी तोंद बड़ी हो गई तो अब तुमने उतना ही जिम में वर्कआउट कर दिया तो तुम्हारी तोंद वापस पहले जैसी कम हो गई मतलब तुमने जितना थाना थाया उतना तुमने पचा लिया तो तुम जैसे हो वैसे ही रहे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया तो वो कैसे प्रूफ हो रहा है वो इससे प्रूफ हो रहा है कि जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है जीरो है तो अगर तुम सिस्टम को हीट दोगे तो यार वो हीट को कैसे तो यूज करेगी तुम किसी को हीट करते जाओगे तुम किसी के बम को जलाओगे तो वो कुछ तो करेगा तो ऐसा चिल्लाएगा तुम किसी के बम को चिल्लाएगा ना तो तुमने उसको हीट दी उसने चिल्ला के वर्क डन करा आ गया अब आ, आ गया बम जलाना पड़ता तुम्हारा बार बार दूसरे केस में वेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम क्योंकि यहां पर वर्क डन पॉजिटिव है देखो तो वेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हीट इज रिलीज क्योंकि हीट नेगेटिव हो गई तो हीट इज रिलीज मतलब अगर तुम अब किसी सिस्टम के ऊपर बार बार वर्क करोगे तुम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है अब अगर मैं वर्क कर रहा हूं एसे एसे, 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 एसे या मैं किसी में ने एक मशीन लगा दी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एसे ऐसे मूव कर रही है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खींच रही है और वर्क कर रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क के थ्रू में सिस्टम के अंदर डाल रहा हूं तो सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही जारी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है लेकिन उसको तो उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो रखनी है यानी जितनी पहले थी अभी भी उतनी रखनी है तो वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर फेंकना चालू कर देगी तो ये दो केसेस आपको मिलेंगे कब जब आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा जल्दी से इन दोनों को देख लो एक बार हो गया मेरा प्यार आम से आगे बढ़े क्या प्यारे प्यारे मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों को दो चीज क्लियर हो गई चलिए बहुत बढ़िया अब एक थर्ड कंडीशन देखते हैं यार ये कंडीशन अगर पढ़ ली ना तो न्यूमेरिकल वगैरह ही सॉल्व हो जाएंगे नोट्स अगर बढ़िया बना लिए तुमने एकदम रजनीकांत जैसे तो यार पोड़ा तुमको मजा आ जाएगा चलिए तीसरे केस की बात करते हैं अब यहां पर वर्क ही नहीं हो रहा है इफ नो वर्क इज डन इफ नो वर्क इज डन अगर किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है ना तो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर ना सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर तो भाई वर्क डन उस केस में जीरो हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू क्यू सीधा सा गणित है अगर आप हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कैसे प्रूफ करके बता देता हूं देखो अगर आपने हीट दी अगर आपने हीट दी तो U2 की वैल्यू U1 से बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा U 100 परसेंट पॉजिटिव आएगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और अगर आपने हीट रिलीज कर दी तो U2 की वैल्यू U1 से बड़ी छोटी हो, हो जाएगी तो डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी आप ऐसा इसको बोल सकते हो तो अगर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा हीट पर क्या चीज क्लियर हो गई फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े इसको देख लो अच्छे तरीके से ओ मोरी गंगा मैया ठीक है बहुत बढ़िया अब अगर अपन बात करें इफ द सिस्टम इज गैस या इफ द सिस्टम इज कैशिय सिस्टम या आइडियल गैस सिस्टम गैशियस सिस्टम या इसको कुछ लोग आइडियल गैस भी मान सकते हैं तो गाइस हम लोगों ने देखा था वर्क डन हम जो पिछले वीडियोस में सीख कर आए थे इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी तो ये तो हम लोग हमेशा सीख कर आए हैं तो क्यों ना इस वर्क डन को यहां पर लिख दिया जाए मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि भैया एक गैस के अंदर कामकाज चल रहा है सॉरी <coughs> तो अगर आपसे कोई बोल दे कि यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है वो गैस की वजह से हो रही है या वो गैस सिस्टम है गैस के अंदर हो रही है तो क्या होगा तो आप डेल्टा यू की जगह रखेंगे वर्क और वर्क की जगह क्या आ जाएगा अपन यहां पर रखते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू भाई फॉर्मूला डब्ल्यू प्लस क्यू लिखो क्यू प्लस डब्ल्यू एक ही बात है तो W की जगह आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा भी तो यह माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया डेल्टा U का फॉर द सिस्टम मतलब आपसे कोई बोल दे कि आपकी गैस है और गैस के ऊपर वर्क करा जा रहा है या वर्क को गैस को एनर्जी दी जा रही है गैस हीट रिलीज कर रहा है या गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालो तो ये रहा इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छा एक बात मैं आपको और कंडीशन बताता हूं इसके अंदर एक सब कंडीशन हो सकती है इफ देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस इफ देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस गैस के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं तो डेल्टा भी जीरो हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाई पी एक्सटर्नल इज जीरो तो पर फिर तुम्हारा डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा यानी अब तुम्हारी गैस की जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है हीट की वजह से आ रहा है वर्क डन की वजह से नहीं हो रहा है बिकॉज वर्क डन विल बिकम इक्वल टू जब डेल्टा की वैल्यू हो जाती है जीरो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी और ये वर्क डन तुमने यहां रखा था ये वर्क ये डन है तो डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो वर्क डन हो गया जीरो और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो Q डेल्टा U की वैल्यू Q के बराबर हो जाती क्या है क्या बात समझ में आ गई ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग वैसे भी केमिस्ट्री में सिर्फ गैस आइडियल गैस गैस आइडियल गैस की बात कर रहे हैं शुरू से तो ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम का है बहुत काम का है ससुरा <laughs> अच्छा है फटाफट भट नोट करो अरे नोट करो अरे नोट करो तो इस इतना समझने के बाद बस अब एक लास्ट चीज में आपको समझाना चाहूंगा हमारे इस फर्स्ट लॉ ससुरे को खत्म करने के लिए और वो क्या है मैं आपको बताता हूं पर पहले इतना नोट कर लिया चलिए अब एक बात बताओ मैंने आपको डेल्टा यू के क्या क्या बातें बताई मैंने आपको डेल्टा यू निकालने के लिए क्या क्या बोला पहले मैंने आपको बोला कि अगर आपको डेल्टा यू निकालना है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालनी है व्हाट इज डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डब्ल्यू प्लस क्यू अगर मान लो कभी एडाइबेटिक कंडीशन होती है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर हो जाएगा वर्क डन इन एडायबेटिक सिस्टम अगर वर्क डन जीरो होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगी चौथा पॉइंट मैंने आपको सिखाया अगर आप गैसेस की बात कर रहे हैं या अगर आप गैशियस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। इन सभी केसेस में इन सभी केसेस में मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों सभी केसेस में मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे गुलगुलो मेरे प्यारे बुलबुलो शोन परी मेरी बताओ मेरे को क्या डेल्टा यू तुम मेजर कर रहे हो नहीं हम डेल्टा यू कैलकुलेट कर रहे हैं और डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डब्ल्यू और क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे दैट डेल्टा यू इज ऑलवेज कैलक्यूलेटेड ज ऑलवेज कैलक्यूलेटेड एंड इज ने मेजर्ड तो जो चीज हमेशा कैलक्युलेट की जाए उसको मेजर कभी ना कहा जाए इज ऑलवेज अटेट फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डेल्टा यू क्या है डेल्टा यू एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है अगर आपसे कभी नीट जेई में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन आप हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन मानोगे क्योंकि आज दिनांक तक मैंने आपको डेल्टा यू मेजर करना नहीं सिखाया क्योंकि वो होता ही नहीं है आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो मैंने आपको हीट मेजर करना सिखाया थर्मोमीटर से मेजर कर लो हीट कितनी अंदर गई कितनी बाहर गई वर्क डन भी अपन ने मेजर करा पी एक्सटर्नल पी इंटरनल अपन मेजर ही तो कर रहे थे भाई वर्क डन कैसे निकाला था बताओ पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा भी डेल्टा वी कहां से आया डेल्टा वी मेजर करके आया ना डेल्टा वी कहां से आया डेल्टा वी मेजर करके आया कैसे मेजर करके आया भाई आपने एक सिस्टम लगाया सिस्टम पे आपने यहां पर पिस्टन लगाया ये पिस्टन नीचे गया तो वॉल्यूम वी टू हो गया जब शुरुआत में था तो वॉल्यूम वी वन था तो तुमने मेजर कर लिया इसको और ये पी एक्सटर्नल आपको पता है ये भी आप मेजर कर सकते हो बैरोमीटर से तो ये दोनों चीजें मेजर करने के बाद आपने वर्क डन निकाला तो भाई ये तो क्या है आपने मेजरमेंट से निकाला लेकिन डेल्टा यू मेजर करने का अपने पास में कोई भी तरीका नहीं है मतलब ये सीधी सीधी बात क्या है स्टेट फंक्शन है जल्दी से इसको नोट करेंगे जल्दी से इसको नोट करेंगे चलो क्लियर चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो इतना समझने का ग्राफ देखो एक ग्राफ देखो वैसे ये जो ग्राफ है मैं आपको बता दूं ये हर जगह प्रेशर वॉल्यूम चल रहा है मैंने एक बार चेक कर लिया क्योंकि कई जगह मैंने क्वेश्चन वॉल्यूम टेंपरेचर में देखे थे बट ठीक है यहां पर प्रेशर वॉल्यूम चल रहा है यह आपका इनिशियल पॉइंट है दिस अब आपने क्या करा इस सिस्टम के ऊपर वर्क करा तो यह पहुंच गया इसके फाइनल पॉइंट पर यहां पर तो यह पॉइंट ए यह पॉइंट बी तो अब यहां से यहां पहुंचने में याने ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इसका इनिशियल पॉइंट इंटरनल एनर्जी इसकी यू वन थी ये इसकी इंटरनल एनर्जी यू टू हो गई यहां से यहां पहुंचने में आपने क्या करा वर्क ठीक है अब अगर ये प्रोसेस साइक्लिक है अगर ये प्रोसेस साइक्लिक है तो प्रोसेस साइक्लिक होने का मतलब डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है मतलब अगर मान लो ये इंटरनल एनर्जी यू वन है और ये फाइनल एनर्जी U2 है तो ये वैल्यूज़ अलग अलग हुआ लेकिन आपका सिस्टम क्या हुआ वापस यहां से मूव करके यहां पहुंच गया मतलब ये प्रोसेस हो गए मतलब देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेकिन यहां से यहां आने में इसने क्या रिलीज करी हीट मैं आपको सीखा भी चुका हूं W इज इक्वल टू माइनस क्यू और माइनस और Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मतलब अगर आपने किसी सिस्टम के ऊपर वर्क किया वर्क डन अगर आपने ऑन द सिस्टम किया तो उसने हीट को क्या करा रिलीज कर दिया और वापस अपने जीरो पॉइंट पर पहुंच गई तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई तो अब आप यहां पर देखो आपने इंटरनल एनर्जी U1 से U2 टू यानी ए से बी जाने के लिए वर्क का इस्तेमाल करा जाने के लिए वर्क का इस्तेमाल करा और यहां से आने में हीट का इस्तेमाल करा मतलब आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि ए से बी पहुंचने में आपने वर्क किया तो आप यहां पर पाथ देख रहे हो कि आप किस रास्ते से ए से बी में आए हो और बी से ए जाने में आपने क्या इस्तेमाल करा क्यू तो ये भी एक तरीके का आप रास्ता ही तो देख रहे हो तो दीज आर ऑलवेज पात फंक्शन मतलब वर्क एंड हीट आर ऑलवेज योर पाथ फंक्शन ये हमेशा क्या है ये पाथ फंक्शन है ये रास्ते पर डिपेंड करेंगे कि आप किस रास्ते से जा रहे हो देखो ए और बी अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स है ये अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स है ए से बी जाने में तुमने हीट मतलब वर्क किया सिस्टम के ऊपर तो ये ए से बी में आ गया लेकिन कैसे आया वर्क से आया तो वर्क पाथ फंक्शन है और बी से वापस ए में आप आ गए कैसे अब हीट रिलीज करके आ गए तो हीट भी पाथ फंक्शन है तो गाइस हमेशा ध्यान रखना डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन अच्छा मैं इसको स्टेट वेरिएबल भी नहीं बोल रहा हूं आप देख रहे हो मेरी टर्मिनोलॉजी मैं इसको स्टेट वेरिएबल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्टेट वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है इसको कर नहीं सकते इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए है। वही work and heat, ये वहीं पर वर्क एंड हीट ये लोग क्या है आपके बोथ ऑफ देम आर योर पाथ फंक्शन वाई दे आर पाथ फंक्शन क्योंकि इंटरनल एनर्जी को इन रास्तों के थ्रू बदला जा रहा है तो गाइज ये आपके जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार से इसको हल्के में मत लेना तो गाइज ये हो गई आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की बात कंप्लीट नाउ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो इसको प्रॉपर नोट्स में लिख लो अगले वीडियो में अपन इसके करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और अब इसके न्यूमेरिकल में वर्क वर्क डन अलग अलग रिवर्सिबल इसिबल प्रोसेस और ये पूरा फर्स्ट लॉ के जितने भी फॉर्मूले जैसे एक ये फॉर्मूला फिर डेल्टा यूज एडाइबेटिक कंडीशन हुए ना सारी कंडीशन के अपन एक एक दो दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे अगले वीडियो में और फिर आगे चलेंगे हीट की तरफ एंड इंटरनल एनर्जी की तरफ इंटरनल एनर्जी तो हो गई सॉरी इंथेपी की तरफ एच की तरफ जो कि हमारा सेकेंड पार्ट फंक्शन है तो गाइज मजा आया इस वीडियो में अगर सब चीज क्लियर हो तो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय ऑल द बेस्ट हैव अ ग्रेट गाइस